Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My name is Ansari, आप सभी लोगों का अक्षय कुमार के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 के बारे में। देखिए, आज जो चीजें पता चली है, आज जिस व्यक्ति ने ये चीजें बोली है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन एवरीवन गोज रॉन्ग सम ऑफ द अदर टाइम। लेकिन जितना एक्सपीरियंस इस बंदे के पास है, आई मीन ही होल्ड्स द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर राइटिंग 650 स्क्रिप्ट्स। यस फ्रेंड्स, योर गेस इज एज गुड एज माइन। ही इज नन अदर राज शांदिल्या। राज शांदिल्या ने न जाने टीवी के लिए कितने कॉमेडी शोज लिखे हैं, कितनी चीजें लिखी है, एंड उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा चली है। ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, अभी नया आ रहा है विकी विदिया की, वो वाला वीडियो मुझे तो ट्रेलर पसंद नहीं आया। लेट्स सी बॉक्स ऑफिस पे कितना चलती है तो वक्त ही बताएगा। सो गाइस, अब राज शांदिल्या ने एक बहुत बड़ा राज जो है उसको सोशल मीडिया पर ओपन किया है, एंड आई थिंक हमने भी लॉकडाउन के टाइम पर ये बार डिस्कस की थी कि किस तरह से राज शांदिल्या वॉज द फ्रंट रनर फॉर हेरा फेरी 3। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हेरा फेरी 3 फ्लोर्स पर गई, जिस दिन हेरा फेरी 3 का मुहूर्त शॉट हो रहा था, वो क्लैप बोर्ड जिस इंसान के हाथ में था उसको देखकर आज इंडस्ट्री में हर एक प्रोड्यूसर थरथराता है, कांपता है, एंड उसको देखते ही सेट से सारे लोग भाग जाते हैं। एंड वो नहीं कोई कामजी, क्योंकि उसका नाम है फरहाद सामजी। फरहाद सामजी इज अ डिजास्टर। जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं ना, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, हरिकेन, कटरीना, उस तरह का नेचुरल डिजास्टर फरहाद सामजी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वो और उसका दूसरा छोटा दोस्त अहमद खान, ये दोनों को देखो तो दूर भाग जाओ, क्योंकि इनसे डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। एक जमाना था जब बड़े बड़े डायरेक्टर जो डायरेक्टर थे वो डायरेक्टर हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली सच मेस विद दीज पीपल हैव क्रिएटेड इन द इंडस्ट्री इज इररिपेरेबल। वो कहते हैं ना, अगर फिनाइल डाल डाल के घस घस के धो धो के भी निकालोगे तभी भी जाके क्रीम जो फरहाद सामजी करता है वो बॉक्स ऑफिस पे सहन नहीं होगा। जस्ट इमेजिन अहमद खान एंड फरहाद सामजी दोनों वेलकम टू द जंगल में इन्वॉल्व है, तो क्या घान बनेगा और क्या घान परोसा जाएगा तुम लोगों को, सोच ही सकते हो तुम लोग। तो अच्छा हुआ फरहाद सामजी जो है अब वो फिल्म ही नहीं बन रही है, क्योंकि फरहाद सामजी अगर हेरा फेरी 3 बनाता तो हेरा फेरी 3 नहीं, वो हार्पिक 3 होता। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस गाय इज शाइट, सीरियसली बोल रहा हूँ। एनी अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर फरहाद सामजी विल बी रियली लेस। एंड गाइस, अब राज शांदिल्या ने एक बहुत बड़ी बात बोली है जो कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। राज शांदिल्या की हम लोग जरा यहाँ पर इंटरव्यू पे जरा ध्यान देते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला है उसने। सो गाइस, खबर अब कुछ इस तरह से है कि राज शांदिल्या ने बात कन्फर्म की है कि मेरे को हेरा फेरी 3 के लिए यहाँ पर अप्रोच किया गया था, नंबर वन। सो गाइस, यहाँ पर द प्रोड्यूसर्स डिड कॉल मी फॉर हेरा फेरी 3, लेकिन मुझे कहानी समझ में नहीं आई। इतना बड़ा राइटर जो कि इतनी कॉमेडीज लिख चुका है, जब ये आदमी को कहानी समझ में नहीं आई, हाउ कैन अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी गो अहेड विद सच फिल्म्स? आई मीन लिटरली नेम से एक सीक्वल्स बनना बंद होना पड़ेगा हमारे इंडस्ट्री में। सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी भी हाउसफुल 5 को लेकर यू नो पब्लिक की नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। मुझे पता है फिल्म क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो क्या बनकर बाहर आएगी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन दैट फिल्म। अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट नो दैट, तो पब्लिक अभी से बोल रही है सब फ्लॉप लोगों को, फरदीन खान को, अभिषेक बच्चन को, इन सब लोगों को एक ही फिल्म में भर दियो तुम लोगों ने, ये फिल्म कौन देखेगा। अरे भाई, हाउसफुल का एक अलग क्रेज है भाई। हाउसफुल जब बन के आती है ना, इन सारे लोग को एक घर में बंद रख के, अभी शिप में बंद रहेंगे तो अलग मजा आएगा। राज कहता है, आई फेल्ट दैट आई हैव वेटेड फॉर सो मेनी इयर्स ऑफ पार्ट 3, तो कुछ साल और वेट कर सकते हैं। तो राज शांदिल्या कहता है कि मुझे स्क्रिप्ट ही समझ में नहीं आई हेरा फेरी 3 की, तो कुछ और साल वेट कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी ने भी यहां पर मुझे कॉल किया कि तुम इस फिल्म को डायरेक्ट कर लो। तो ये तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है आज। इन तीन महारथी जो है, हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि क्यों काम करते हैं फरहाद सामजी के साथ। फरहाद सामजी मजबूरी है इंडस्ट्री की, पता नहीं ऐसा क्या राज छुपा के रखा है फरहाद सामजी ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का, जो उसके पास लोग जाया करते हैं। तो गाइस, जब तीन दिग्गज खुद राज शांदिल्या को कॉल करके बोल रहे कि हेरा फेरी 3 बना रहा, तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन गाइस, राज शांदिल्या ने उनसे कहा, ये हेरा फेरी जो 3 है ना, जो स्क्रिप्ट अभी है, मैं इसको तब तक नहीं टच करूंगा जब तक कोई ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट नहीं आता मेरे सामने। तो अच्छा हुआ जितने भी अक्षय कुमार के फैंस के न्यूट्रल ऑडियंस है कि वो हेरा फेरी 3 नहीं बन रही है,
क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टर पहली बार ओपन में आके कह रहा है। यूजुअली ऐसे डायरेक्टर जो है ना ओपन में आके नहीं बोलते हैं, ये हर आदमी को पैसे की आवश्यकता है। कोई भी अगर चूतिया आके बोलेगा ना कि अरे भाई मेरे पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है 3-4 करोड़ रुपया, ना किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो ये बोलने की बकचोदी, ये बात करने की ये सब है, 3-4 करोड़ किसी को बुरा नहीं लगता। तो कोई भी तुमको यहाँ पे भी सोशल मीडिया पर भी दिखे ना, अरे मेरे पास बहुत पैसा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, चूतिया बना रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो डांट छान दे लिया, कमिंग अप ऑन सोशल मीडिया एंड टेलिंग ऑन द फेस कि स्क्रिप्ट नहीं अच्छी है, इंडस्ट्री में गट्स लगता है, तुम कोई डायरेक्टर को बोल दो। अभी सलमान खान के सामने, रेमो के पास सलमान खान गए थे रेस थी डायरेक्ट करने के लिए, रेमो में हिम्मत थी बोलने के लिए कि नहीं डायरेक्ट करूंगा, नहीं बोल सकता हूँ, करना ही था डायरेक्ट और उसने कर दिया। हाँ वो तो भाई का स्टारडम था कि यहाँ तक फिल्म वो खींच कर लेके गए, ऑलमोस्ट 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड दिया, तो कौन डायरेक्टर मना करेगा। हाँ तो राज शांडिल्य लग गटसी बोलूंगा मैं उसको कि इतनी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मना कर दिया और मुंह पे बोल दिया कि स्क्रिप्ट पे अच्छी नहीं है। ये मालूम होने के बावजूद भी जब अक्षय कुमार परेशान सुन शेट्टी फिल्म कर रहे हैं तो कितना बड़ा धोखा है ऑडियंस के लिए, यही होता है ना। फिर क्या करते हैं सब आर्टिकल लिखने वालों को पैसा देते हैं, 5 हफ्ते तक हमारी फिल्म चल रही है, वो शाणा डेढ़ शाणा क्या नाम है उसका, मुदस्सर अजीज, वो बोलता है ऑडियंस को फिल्म देखने को समझ में नहीं आता है, ऑडियंस को समझ में नहीं। तुम गंदगी स्क्रीन पर टट्टी बना के दोगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोग, क्या सूट वूट पहन के नमक मिर्ची डाल के वो खाना है क्या बैठ के हम लोगों को खेल खेल में। हाँ उरी उसको तो अलग तमाशा चल रहा है, घस घस के अरे सड़ेली पिक्चर 1.5 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रही है, पिक्चर नहीं है कोई भी फिलहाल थिएटर में दिखाने के लिए, तो उसकी डेरी हर हर वीकेंड में उसकी बकचोदी चलती रहती है उसकी। फिल्म डिजास्टर हो चुकी है, 100 करोड़ के ऊपर की पिक्चर 40 करोड़ में मर चुकी है पिक्चर, फिर भी लॉर्ड वापर अब तक चल रही है पिक्चर। फिर गए राज शांडिल्य ने बहुत बड़ी बात बोली है, जो लोग बोलते हैं ना अगर बनेगी हेरा फेरी 3 बनेगी, ये अक्षय कुमार खुद बोलते हैं इंटरव्यू में आके, बनने वाली बनेगी बहुत जल्दी बनेगी। राज शांडिल्य क्या बोल रहा है सुनो, द फिल्म इज स्टक नाउ, फिल्म फंस चुकी है लीगल बैटल में, वो नहीं बनेगी पिक्चर, बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। और पिक्चर सीक्वल बनती है ना सबको लेके बना जाता है, आज तो कपूर एंड कपूर 2000 हम लोग बनाए 2003 में, कपूर एंड कपूर ब्लॉकबस्टर हो गई, फिर मैं सोच रहा हूँ 2023 में 24 में मैं कपूर एंड कपूर द्वितीय पार्ट 2 बनाऊंगा। अरे मुझे सारे कपूरों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना, मुझे एक भी कपूरा ना बोल दिया तो कैसा चलेगा फिर पिक्चर। सबको लेके चलना है साथ में, तो हेरा फेरी 3 स्टक, वो स्क्रिप्ट पे पिक्चर नहीं बनाना भाई। अभी आदमी बोल रहा है कि नहीं है तो क्यों जान का जोखिम, अरे पैसे लगते हैं भाई लोगों के, क्यों मस्त मजे लेने के चक्कर में तुम लोग सब लोग। हाँ राज शांडिल्य लिखता है यहाँ पर पिक्चर स्टक है, लेकिन अगर सारी चीजें फॉल्स इनटू प्लेस आईड लव टू मेक इट। तो राज शांडिल्य को दो काम स्क्रिप्ट लिखने का, अगर इतना तुम लोग को राज शांडिल्य को मोहब्बत आ गई है, इतना प्रेम आ गया है और जितने प्रोड्यूसर साथ में बिठाओ, बनना हो तो क्या नहीं बन सकता, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो नहीं चाहता कि एक अच्छी फिल्म जो है यहाँ पर बने। राज शांडिल्य एक और चीज कहते हैं, ध्यान से सुनो, मुझे अक्षय सर के साथ काम करना है, अक्षय सर भी मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ काम करो, मेरे साथ फिल्म करो, लेकिन फिर राज शांडिल्य जी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई आइडिया मिला कि वो फिल्म जो मैंने कभी जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं की है, अक्षय कुमार ने भी जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं की है, तो उस तरह की फिल्म जो है मैं यहाँ पे अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहता हूँ। बहुत बीच में खबरें थी एंड बातचीत हुई भी थी, राज शांडिल्य अक्षय कुमार के साथ एक कॉमेडी फिल्म जो है बनाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई। बहुत सारी फिल्म है, नीरज पांडे अक्षय कुमार के साथ कितनी सारी फिल्म लेकर जाता है, अक्षय कुमार पता नहीं क्यों नहीं करता है। उसके बाद अक्षय कुमार राज शांडिल्य की पिक्चर जो है वो नहीं हो रही है, गोरखा पिक्चर अक्षय कुमार ने नहीं किया, वो दी एंड वेब सीरीज है वो अक्षय कुमार ने नहीं किया। अक्षय कुमार को क्या मस्ती चढ़ती है कि खेल खेल में ऐसी फालतू पिक्चर, उस तरह की पिक्चर, साउथ की फिल्मों को रीमेक करके यहाँ पर लेके आना, दोस्ती यारी में कोई भी पिक्चर कर देना, वाई अक्षय कुमार डज ऑल दीज थिंग्स, ये मुझे पता नहीं। सबसे अच्छा वो पूजा एंटरटेनमेंट को नमस्ते बोला और आगे निकल गया, अब वहां वो रास्ते गली जाना नहीं है, अच्छे डायरेक्टर काम करो, बड़ी फिल्में करो, यही हम अक्षय कुमार से चाहते हैं। तो ये हेरा फेरी 3 का राज जो है ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि वो फिल्म जो बन रही थी वो खुश हो जाओ कि अच्छी नहीं बन रही थी, वो रद्दी स्क्रिप्ट थी, या फिर डायरेक्टर बॉलीवुड में हिम्मत करके बोल रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, मेरे को नहीं बनाना है वो पिक्चर, अगर ये हेरा फेरी 3 है तो मेरे को नहीं बनाना है, तो सोच लो वो फिल्म क्या बनने वाली थी, बकवास जो अच्छा हुआ नहीं बन रही है। आशा करते हैं हेरा फेरी 3 एक अच्छी स्क्रिप्ट बने, एक अलग स्क्रिप्ट बने हेरा फेरी 3 के लिए, और हमारी यादें हैं उसके बाद मजाक ना हो। ओके गाइस, सो मच के सभी लोगों को पसंद आया होगा, बहुत जल्दी
आज शाम को या कल सुबह पूरा डिटेल एपिसोड आएगा जिसमें जो चीजें होने वाली है ना अक्षय कुमार के साथ, जो फिल्म में आने वाली उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ना ही के जो दुनिया भर की चलती रहती है अरे इसका अनाउंसमेंट होने वाला, अरे ये फिल्म आने वाली, इसका पार्ट टू आने वाला है, होने वाला है। फर्स्ट वन टू टेल यू कि अक्षय एंड प्रिया दर्शन की पिक्चर की अनाउंसमेंट होने वाली है एंड वो ही हुआ यहाँ पर। ओके गाइस, उसके एपिसोड का इंतजार कीजिए, एपिसोड को जितना ज्यादा उतना शेयर कीजिए। स्मार्ट अंसारी साइनिंग ऑफ, योर सिमी बॉडी सून टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।